आज आम दशम श्रेणी सब्जेक्ट भर्ब एग्रीमेंट विषय पढ़ेबा। आम समस्ते सब्जेक्ट कौन भर्ब कौन आम भल भाव जानदे, सब्जेक्ट कौन भर्ब कौन आम भल भाव जानदे। सब्जेक्ट हूँ कर्ता, जीए गोटे सेन्टेन्स गोटे वाक्य कार्य करूथाए आम सब्जेक्ट कहूँ, जे कार्य करूथाए एवं वाक्य जहाँ करा जाए जहाँ कार्य को बुझाई थाए ताकु आम भर्ब कही था। जमीती कि आम कह कि राम इज गोइंग टू स्कूल, राम इज गोइंग टू स्कूल आम जिते बड़े लिखुचे सेठारे राम हो जाउची सब्जेक्ट एवं गोइंग टू गोटे कार्य करूची इज गोइंग टू स्कूल हेउची भर्ब, गोइंग टा हो जाउची भर्ब। सेतेबेले आम जानदेले जे सब्जेक्ट राम पाखरे इज लागिबो सेतेबेले सब्जेक्ट आउ भर्ब ठीक ठाक रहुची, बा आम आगुरु जानिछे जे राम पाखरे इज लागिबो आर लागिपारिबो नाही। तेणु आम जितेबेले मुझे केते गुडे सेंटेंस लिखुची तुम्हें माने देख, एठ लिखा है मन कर राम आर ए गुड बॉय, राम आर ए गुड बॉय एठार लिखा है ये ठीक सेंटेंस ना भूल सेंटेंस। आर एठारे आर लगे पारना, आम राम सांगे आर लगे पारना, आम सब्जेक्ट राम सांगे भर्ब हेल्पिंग भर्ब आर लगे पारना कारण यह नियम विरुद्ध अटे। तेणु आम कौन करवा राम इज ए गुड बॉय लिखा एंड इट विल बी राइट, यह ठीक हम सेमती। आमे मध्य केते गुड़े सब्जेक्ट रे जानी जे आमर आई पाखरे जमती कि आम पर्सन आउ नंबर मध्य आगुर पढ़ाई सारी, जमती कि आम पर्सन केते जन अच्छा फास्ट पर्सन आमर ये रहा फास्ट पर्सन पर्सन सिंगुलर कि प्लुराल, सिंगुलर एवं प्लुराल देवा ये लिखा आम पर्सन ये लिखा सिंगुलर कि प्लुराल। ताहले आम देखा पर्सन मध्य आमर आसुची फास्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन, फास्ट पर्सन आमर आसवे आई उ ताहले आमे आईटा को सिंगुलर रे रखिबा उईटा को प्लुराल रे रखिबा। सेमिता आम सेकेंड पर्सन रे के आसिबे यू यू, ताहले आमे सिंगुलर रे यू रखिबा प्लुराल रे मध्य से यू रहिबो। ताहले पूर्ण थरे आमे देखिबा थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन रे कोन लिखथिले आमे सी ही इट दे एगुडी का आमर रहुथिला। सेमिति सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर के माने हेबे ही सी इट राम श्याम गोपाल फार्मर टीचर स्टूडेंट सब जिते बड़े जड़े मनीष को बुझाऊ से कौन हो सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो थर्ड पर्सन प्लुराल किए जी से जीवे तापर जीवे स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टीचर्स फार्मर्स जो दग आम प्लुराल नंबर रोचे से गुड़क जो मैंने एक रु अधिक बुझुंट से आम प्लुराल कहे आम फास्ट पर्सन में जी सिंगुलर रे आई प्लुराल रे उई, सेकेंड पर्सन रे आमर यू जीव यू सिंगुलर रे यू जीव प्लुराल रे यू जीव सेमिति थर्ड पर्सन ही सी इट दे ही सी इट सिंगुलर रे जीव राम श्याम गोपाल जोतक ना अच्छे जोतक नाउन अच्छे आमर से सिंगुलर रे जीव थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जीव आमर दे डीज दोज स्टूडेंट्स टीचर्स फार्मर्स डॉक्टर्स सब जितक एक रु अधिक बुझे आम थर्ड पर्सन प्लुराल नंबर जाऊँ आम यक क्लीयर हो गले आम के गुड़े नियम अच्छे से गुड़िक देखा सब्जेक्ट भर्ब एग्रीमेंट रे देखु आमर के नियम अच्छी आम आमर बही दे जे आम केमी सब्जेक्ट सहित तो भर्ब को एग्री करूँ आई आम लगे वी यू दे द स्टूडेंट्स आर लगे हि सी इट गोपाल रानी ये लगे इज सेमती जदि आमर कौन हो प्रेजेन्ट सिंपल टेन्स रहा जो सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो मैंने थे पाखे भर्ब एस लगिकी तामें जाचे जदि परफेक्ट टेन्स यूज हुए हाज एवं हाफ लगे हाज हाफ जो आमर लगे से आई थी आमर
केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रे आमर केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रे लागिबो हाज नहले आउ बाकी तो करे आमर हाफ लागे आमे भलो भाबरे हाकु जानिजे सेई भले आमे भाबरे आमे कोन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहि के पढू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आमे एथि पा पढू जे आमर जति आई पाखरे आमे आर लगेबानी जदि राम एवं गोटे उदाहरण दउची एठी लेखा हला राम एंड हिज फ्रेंड्स आर गोइंग ना इज गोइंग आर कि इज गोइंग कह कौन हम राम एंड हिज फ्रेंड्स आर गोइंग हम ताले आउ गोटे करिबा राम विथ हिज फ्रेंड इज गोइंग ना आर गोइंग एठारे इज गोइंग हम ना आर हम एठारे आमर गोटे कन्फ्यूजन आसीगला आमे राम सहित एग्री करिया भर्ब को ना हिज फ्रेंड्स सहित एग्री करिया भर्ब को आमर कन्फ्यूजन आसुचे आमे इज कि आर कौन लेखिया आमे जानी पारु ना से आमर टेन्थ रो सिलेबस रे सब्जेक्ट भर्ब एग्रीमेंट अछि ताहले सेटा को आमे भलो भाव रे तार नियम गुडी को पढ़िबा एवं को सब्जेक्ट को को भर्ब एग्री करिवो ता विषय रे भलो भाव रे जानिबा ताहले तार रूल नंबर वन आमर एक नंबर ठारु षोलो नंबर जाए रूल तक दे देछि रूल गुड़ी को आम भल भाव जब मन रखा ताहले आमर कौन सी सब्जेक्ट भर एग्रीमेंट रे आमर कौन सी डाउट रही एवं परवर्त समय जब किसी आम कंपिटेटिव एग्जाम दौचे कि टेन्थ क्लास ग्रामर में सब्जेक्ट भर्ब एग्रीमेंट रु किसी क्वेश्चन आम भल भाव आंसर दे पार एवं ठीक मार्क करेक्ट मार्क पाइपर बोली आम आशा कर प्रथम रु प्रथम एक नंबर ठार आलोचना करवा आम सब्जेक्ट भर्ब एग्रीमेंट विषय ताहले ये प्रथम रूल आसीगला प्रथम रूल लिखाही भर्ब यूज आफ्टर एंड इंट्रोडक्टरी दे आर जदि गोटे भर्ब इंट्रोडक्टरी दे आर यूज ताहले आमे कौन करिबा हाव टू एग्री विथ द नाउन कमिंग आफ्टर देम जदि दे आर पर इंट्रोडक्टरी दे आर थी वाक्यर आरंभ दे आर थी ता पछरे जो नाउनटा आसूँ दे आर भर्ब पर जो नाउनटा आसूँ सब्जेक्ट जो भर्ब पर जो सब्जेक्ट आसूँ नाउनटा आसूँ ता सहित भर्ब एग्री कर ता सहित भर्ब एग्री कर लिखाई दे आर एठार सब्जेक्ट किए इज वाज लगे कथा ताहले आम कौन लगे इज वाज कहीं लगला कारण बुक लिखाई बुक सहित आम सिंगुलर भर्ब ग्रहण करवा ताहले इज किंबा हाज लिखा कथा जेहेतु सी देखी इज हाज यही सेंटेंस गठन अनुसार आमर हम कौन इज किंबा वाज हो पार तापर दे आर आर दे आर आर ओ आर फोर बुक्स एठार कहीं आम देखा दे आर इंट्रोडक्टरी पर भर्ब पर कौ नाउन सिंगुलर ना प्लुराल अच्छी ताहले एठार आम देखीदे प्लुराल नाउन अच्छी बुक्स एक रु अधिक नाउन अच्छी ताहले आर किंबा ओयर लगे ताहले आमर एक नंबर ए रूलटा क्लीयर हो गला एबे आम देखा एक नंबर बी रूल व्वेन इट इज यूज नॉर्मल सब्जेक्ट पोजिशन टू मेक ए स्टेटमेंट अबाउट टाइम डिस्टेंस और वेदर द वर्ब ऑलवेज सिंगुलर आम एठार देखा यू परवर्ती यू पर जदि आमर कौन यूज हो सरी इट पर जदि आमर यूज हो गोटे सब्जेक्ट स्थान टाइम डिस्टेंस और वेदर समय पाग एवं दूरता टाइम एठार होची समय
डिस्टेंस होची दूरता वेदर पाग विषय जनाऊ थे द भर्ब इज ऑलवेज सिंगुलर भर्ब टी सब सिंगुलर हे देखो ये उदाहरण दे इट इज और वाज टेन पास्ट ट्वेल्व टेन पास्ट ट्वेल्व दे माने आमर जदि इट अच्छी तापर आम कौन दे टेन पास्ट ट्वेल्व इज ए टाइम टाइम विषय देखें आम कौन करवा भर्ब विल बी सिंगुलर इज किंबा वाज किंबा हाज जहाँ सेंटेंस अनुसार लगे से अनुसार देवा तापर एटी लिखाई इट इज और वाज टू माइल्स टू बीच एठार भर्ब से अनुसार टू माइल्स बीच दूरता विषय डिस्टेंस विषय से भर्ब विल बी सिंगुलर भर्ब इट इज सिंगुलर इट इज वाज रेनिंग हेवीली वर्षा होची पागो विषय कहला वेदर विषय कहला ताहले द भर्ब विल बी सिंगुलर। नेक्स्ट आम देखिबा व्हेन प्लुराल नंबर अप्लाइज टू डिस्टेंस जेतेबेले प्लुराल नंबर अप्लाइज टू डिस्टेंस सेतेबेले कोन होबो डिस्टेंस टाइम वेट्स और अमाउंट्स ऑफ मनी एंड रिप्रेजेंट्स ए सिंगल फिगर और क्वांटिटी इट इज ट्रीटेड एज सिंगुलर एंड इट टेक्स ए सिंगुलर वर्ब जेतेबेले आमर गोटिए प्लुराल नंबर दूरता टाइम समय वेट ओजन अमाउंट्स ऑफ मनी टंकार मूल्य बा टंकार परिमाण को बुझाउथुओ एवं एहा एस लागिथिले मध्ये गोटे सिंगुलर फिगर और क्वांटिटी को बुझाउथुओ ताहले गोटे एक एकता को बुझाउथुओ इट इज ट्रीटेड एज सिंगुलर एंड इट इज टेक्स सिंगुलर वर्ब एथिरे एहा सिंगुलर भाबे गणा जीवो एवं वर्ब सिंगुलर हेबो। देखंतु एटी फर्स्ट दे दैछि हमर डिस्टेंस विषय रे 50 किलोमीटर इट दे 50 किलोमीटर इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस इन दिस डेज ऑफ रैपिड ट्रैवल 50 किलोमीटर्स आमर एठार भर्ब कौन हम कथा एस देहेतु प्लुराल हम कथा किंतु आमर रूल अच्छी जे डिस्टेंस थिले आउ टाइम थिले वेट थिले अमाउंट ऑफ मनी थिले ताको आमे सिंगुलर करिबा इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस इज सेथिपई भर्ब विल बी सिंगुलर भर्ब सिंगुलर हेला सेमिति 60 इयर्स इज ए लॉन्ग टाइम 60 इयर्स आमर एठार कौन समय विषय कहला ताहले इज लागिला भर्ब विल बी सिंगुलर भर्ब सिंगुलर हेला 2 किलोज ऑफ टी कॉस्ट 600 रुपीज ताहले एठारे कॉस्ट हेला आमर प्रेजेंट सिंपल टेंस अनुसार हे गला ताहले एटा कौन हम आमर को विषय देला आमर वेट ओजन विषय दे देला तापर 5 रुपीज इज नॉट ए बिग सम आमर जो दे देला 5 रुपीज भर्ब मध्ये एटा कौन अमाउंट ऑफ मनी विषय देला भर्ब विल बी सिंगुलर एठार भर्ब मध्ये सिंगुलर हे सल्ला तापर आमे देखिबा 3 नंबरटा 3 नंबर रूल देखिबा 3 नंबर ए इफ टू नाउन्स जॉइन बाय एंड आर रिगार्डेड ए सिंगल ऑब्जेक्ट और नोशन द भर्ब इज सिंगुलर जदि दुईटी नाउन जॉइंड बाय एंड रिगार्डेड एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट विषय जदि से माने प्रतिपाद होथिबे ग्रहण करा जाउथे ताहाले भर्ब इज सिंगुलर जदि दुईटी नाउन एंड द्वारा जोग हेबे एवं सेमानंकु सिंगल ऑब्जेक्ट भाबरे सिंगल नोशन भाबरे ग्रहण करा जीव द भर्ब विल बी सिंगुलर भर्ब टी सिंगुलर हे जीव सेमिते हमर 3 नंबर बी देखिबा 3 नंबर बी रे इन अदर केसेस टू सिंगुलर और प्लुराल सब्जेक्ट्स जॉइन बाय एंड मेक द टोटल ऑब्जेक्ट प्लुराल व्हिच टेक्स ए प्लुराल वर्ब जदि दुईटी सिंगुलर प्लुराल सब्जेक्ट कर्ता जदि दुई जन एकाठी होते सिंगुलर हुंतु किंबा प्लुराल हुंतु ताहले टोटल सब्जेक्ट को से माने प्लुराल करंती व्हिच टेक्स ए प्लुराल वर्ब जहाँ गोटे प्लुराल वर्ब ग्रहण करंती एटे देखिबा गोपाल एंड हिज सिस्टर हाव कम एठार गोपाल एंड सिस्टर दुईटा नाउन एटा होची सिंगुलर नाउन एटा होची प्लुराल नाउन बा सब्जेक्ट एठार वर्ब हेगला हाव मु कहिछि जे जदि सिंगुलर थर्ड पर्सन थिबो ताहले वर्ब विल बी सिंगुलर बट एटा को होची हाव हे जाउची ताहले एठार हमर कोन होबो वर्ब विल बी प्लुराल सेमिति 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स एठार दुईटी प्लुराल नाउन जोग करा हेला ताहले हमर देछि प्लुराल सब्जेक्ट जदि दुईटी जोग होइथिबे एंड द्वारा एवं टोटल प्लुराल करूथिबे ताहले वर्ब प्लुराल हो वर्ब एठारे सेतिबाय प्लुराल हेला।
देन आम चार नंबर एटा आलोचना करद। चार नंबर ए कलेक्टिव नाउन इन द सिंगुलर में टेक ए भर्ब इन द सिंगुलर इफ द स्पीकर थिंग्स ऑफ द थिंग एज सिंगुलर होल। ताहले जदि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर में टेक द भर्ब इन सिंगुलर इफ द स्पीकर थिंग्स ऑफ ए सिंगुलर होल। इफ इंडिविजुअल मेंबर कलेक्टिव नाउन आर कंसीडर द कलेक्टिव नाउन कैन टेक ए प्लुराल भर्ब। मार्क द फॉलोइंग सेंटेंस। एठारे आमर किछि सेंटेंस दे जाइछि ताकु भल भाबरे देखिबा। द जूरी वेयर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। एठारे आमर गोटे सिंगुलर भर्ब को डिवाइड को कराइछि, डिवाइड कराइछि माने तांकु अलगा कराइछि, अलगा कराइछि द जूरी। सेथिपई सेमान को कोन करा हबो, एठारे भर्ब विल बी प्लुराल। एठारे डिवाइड र विषय रे कहैछि डिवाइड माने अलगा करछन्ति, अलगा माने भिन्न, भिन्न माने अलगा अलगा, ताहाले भर्ब विल बी प्लुराल। सेमित जूरी हाज सिलेक्टेड इट्स चेयरमैन। जदि गोटे चेयरमैन को समस्ते एकाठी हो कि बाछुछन्ति सेई जूरीटा गोटे बॉडी वन बॉडी भाबरे हिसाब कराउछि, ताहाले एटा हेजबो आमर सिंगुलर एंड भर्ब विल बी सिंगुलर। द कमिटी वाज अनानिमस ऑन दिस इश्यू। सिंगल यूनिट गोटे देखे सिंगल यूनिट दे माने वाज हम। द कमिटी वेयर डिवाइडेड, डिवाइडेड माने भिन्न 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 समस्त अलग हो जाती एठार कौन हम भर्ब विल बी प्लुराल। देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट रूल। चार नंबर बी सम नाउन्स लाइक पुलिस पीपुल पोल्ट्री कैटल यूजुअली टेक प्लुराल भर्ब। किसी नाउन अच्छा सेगुड़िक सब बेले प्लुराल भर्ब ग्रहण करती। सम नाउन्स किसी नाउन अच्छा किसी विशेष पद अच्छा जपरिक पुलिस पीपुल पोल्ट्री कैटल यूजुअली टेक प्लुराल भर्ब। से मैंने सर्वदा प्लुराल भर्ब ग्रहण करती। द पुलिस हाव नट मेड एनी आरेस्ट। द पुलिस देखते पुलिस जड़े हो पचे द प्लू इट द भर्ब विल बी प्लुराल। द पीपुल ऑफ इंडिया आर। द पोल्ट्री हाव बीन फेड। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल लगी माने एठार आर लगे। द पोल्ट्री लगी माने एटी प्लुराल भर्ब हम सिंगुलर भर्ब हो पारे। गोटे कैटल गोटे गोरु चोर था पचे गोटे फिल्ड्रे यहाँ होमर सिंगुलर। नेक्स्ट वी विल डिस्कस क्वेश्चन रूल नंबर फाइव। द नाउन्स क्लदिंग फूड फर्नीचर स्टेशनरी कटलेरी क्रकेरी ज्वेलरी एंड सीनेरी यूजुअली टेक्स सिंगुलर भर्ब। द नाउन यही विशेष जपरिक क्लदिंग फूड फर्नीचर स्टेशनरी कटलेरी क्रकेरी ज्वेलरी सीनेरी यूजुअली टेक्स सिंगुलर भर्ब। यह सर्वदा सिंगुलर भर्ब ग्रहण करेंगे आम जपर आलोचना करदे। हिज क्लदिंग इज भेरी आट्राक्टिव इज एठार लगला। द फूड इज नेसेसरी फूड एठार हो गला। द फर्नीचर नीड्स नीड्स एठार आम सिंपल प्रेजेंट यूज होगा। स्टेशनरी इज सोल्ड इज सोल्ड। ए तो आम पांच नंबर क्वेश्चन जाए समस्त रूल आलोचना हो सारा। नेक्स्ट आम एक्टिविटी करवा। चूज द करेक्ट भर्ब्स डिवन इन द ब्राकेट्स एंड री राइट द सेंटेंस। आम एक्टिविटी वन आलोचना करें करेक्ट फॉर्म ऑफ भर्ब आलोचना करवा बाहर करवा एवं ताकू ठीक टा चूज करके बाछिक लिखा। देयर इज योर आर प्लेंटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। एठार आमर कौन हो प्रथम रूल। देयर देयर पर जदि सब्जेक्ट बा नाउन प्लुराल थी भर्ब विल प्लुराल ताहले भर्ब एठार आर हम एठार आर हम भर्ब। देयर वाज वेयर प्लेंटी ऑफ रूम 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 लगी माने आम एठार कौन हम भर्ब विल बी सिंगुलर। टू प्लस टू इज फोर टू टूज आर फोर। सेवेन्टी किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। फिश एंड चिप्स इज नॉट सो एक्सपेंसिव एज चिकन एंड करी राइस। ए क्राउड हाज गैदर्ड इन द स्ट्रीट और हाव गैदर्ड। ए क्राउड लिखाई माने यहाँ सिंगुलर हो। द असेंबली वाज डिवाइडेड डिवाइडेड हो माने वेयर हो। तापर आम देखा द पुलिस इज आर चेजिंग द बर्गलार। द पुलिस आम कही सब सिंगुलर हम हर क्लदिंग आम सब प्लुराल हे। द पुलिसटा सब प्लुराल हे। द क्लदिंग सब सिंगुलर हम। द पुलिस ठारे सब आर लगे आ क्लदिंग ठारे सब
इज बा सिंगुलर भर्ब ग्रहण कर। नेक्स्ट रूल रूल नंबर सिक्स कौन देर इफ ए क्लज सेपरेट्स द सब्जेक्ट फ्रॉम द वर्ब इट इज नेसेसरी टू रिमेम्बर एक्चुअल सब्जेक्ट वर्ब एंड टू मेक द वर्ब एग्री विथ इट। जदि गोटे क्लज आम क्लज पढ़ीचे कंपाउंड सेंटेंस एवं कम्प्लेक्स सेंटेंस रे एठारे कम्प्लेक्स सेंटेंस रो क्लज गुड़िक देछि सबॉर्डिनेट क्लज। जदि गोटे क्लज सब्जेक्ट को वर्ब ठारु अलग करथाय जदि गोटे क्लज व्हिच हैव बीन प्लेस्ड ऑन द टेबल एटा गोटे क्लज सब्जेक्ट ठारे के होची ऑल द सब बुक्स एठारे वर्ब के होची आर ताहले जदि सब्जेक्ट को वर्ब ठारु गोटे क्लज अलग करथुबो वर्ब विल बी एग्री विथ द रियल सब्जेक्ट। आमे रियल सब्जेक्ट को मन रखिया वर्ब एग्री विल बी एग्री विथ इट। नेक्स्ट देखिए द रेडियो व्हिच यू गेव माय चिल्ड्रेन वाज़ परफेक्टली एठारे रियल सब्जेक्ट किए द रेडियो क्लज किए व्हिच यू गेव माय चिल्ड्रेन ताहले वर्ब किए वर्क्स वर्क्सटा हूँ वर्ब ताहले एठारे द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर लगी थवारु वर्ब विल बी सिंगुलर। देन वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7 इफ ए सब्जेक्ट रूल नंबर 7 ए इफ ए सब्जेक्ट बिगिन्स विथ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ नॉन ऑफ फॉलोड बाय ए प्लुराल नाउन और प्रोनाउन द वर्ब इज यूजुअली सिंगुलर। जदि गोटे सब्जेक्ट जदि गोटे कर्ता आइदर ऑफ नाइदर ऑफ नॉन ऑफ रु आरंभ हेथिबो ता पछरे सिंगुलर किंबा प्लुराल नाउन थाउ पछे वर्ब विल बी सिंगुलर। वर्ब कौन हेजिबो सिंगुलर। ताहले एथुर आमे जानिले जदि गोटे सब्जेक्ट आइदर ऑफ नाइदर ऑफ नॉन ऑफ रु आरंभ हेथिबो ताहा पछरे प्लुराल नाउन थाउ पछे सब्जेक्ट विल बी वर्ब विल बी सिंगुलर। वर्ब सबुबेले सिंगुलर हो आइदर ऑफ नाइदर ऑफ नॉन ऑफ जदि यूज हेछि वाक्यर आरंभ रे सब्जेक्ट विल बी ऑलवेज सिंगुलर। तापर आमे देखिबा नेक्स्ट रूल आमर आसिला 7 बी रूल इच ऑफ वन ऑफ एक्सेट्रा यूजुअली टेक सिंगुलर वर्ब इच ऑफ वन ऑफ जो अच्छे आमर से गुड़िक सबुबले सर्वदा सिंगुलर वर्ब ग्रहण करती। तापर 7 सी इफ नो और सम इज फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन इट टेक्स सिंगुलर वर्ब इफ इट इज फॉलोड बाय प्लुराल नाउन इट टेक्स जदि नो पर सिंगुलर नाउन थी वर्ब सिंगुलर हे जदि नो आउ सम पर प्लुराल नाउन थी वर्ब विल बी प्लुराल। एठारे आम भल भाव क्लीयरली जानदेले तापरे आमर हेउची 7 डी 7 डीटा को देखिबा व्हेन एंड कनेक्ट टू टाइटल्स और डेजिग्नेशन ऑफ अ सेम पर्सन द वर्ब इज सिंगुलर इफ द पर्सन रिफर टू आर डिफरेंट द वर्ब इज प्लुराल। जदि आम दुईटी पद डेजिग्नेशन आमर जनक गोटे पर्सन रही द वर्ब इज सिंगुलर वर्ब टी सिंगुलर हे इफ द पर्सन रिफर टू आर डिफरेंट द वर्ब इज प्लुराल। जदि डिफरेंट पर्सन कर दुईटी पद थी ताहले वर्ब प्लुराल हे। देखते आम उदाहरण गुड़िक देखीदे द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हाज गिवेन हिज कंसेंट टू द बिल ताहले द प्रेसिडेंट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आउ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा से जने ताहले वर्ब विल बी सिंगुलर वर्ब सिंगुलर हिजबो। सेमिति द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी वेयर इनवाइटेड ताहले आमे केमिति जेते बेले जानी परबा केते बेले जे एठारे तो दुजनक विषय लिखाला आम तो जानी ना हूँ ये दुजनक जने बोले कि ना ये दुजनक ना लिखा जाने ना जे एगुड़िक अलग अलग ना सेम लोक ताहले आम केमिति जानवा जदि सेम पर्सन ताहले आम तो सिंगुलर करिबा जदि एवं जदि अलग अलग पर्सन दुजन होता आंड लगिकी ताहले सेगुड़िक आम वर्ब वेयर किंबा प्लुराल करिबा सेमिति आम लिखाई द वाइस प्रेसिडेंट ताहले आम ये गोटे ट्रिक अपनेबा जे जदि द लिखाई कि देखु द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये लिखाई तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एठे कौन लिखाई चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ताहले गोटे दी अच्छी माने ताहले से जने लोक जदि दुईटी दी यूज होती
एंड पर ताले से दुई जन लोक ठी प्लुराल भर्ब हेब एवं जने लोक ठी सिंगुलर भर्ब हेब। वी विल डिस्कस द नेक्स्ट रूल। इफ द सब्जेक्ट बिगिन्स विथ ए फ्रैक्शन द वर्ब एग्रीज विथ द नाउन दैट फॉलो द फ्रैक्शन। जदि गोटे सब्जेक्ट वाक्यर आरंभ रे सब भग्नांश रही भग्नांश व्यवहार कराई ताहले द वर्ब एग्रीज द नाउन दैट फॉलो द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन पर जो नाउनटा थी वर्ब सहित एग्री कर अर्थात फ्रैक्शन पर जो सब्जेक्ट टी सिंगुलर वर्ब विल बी सिंगुलर। फ्रैक्शन पर जदि सब्जेक्ट टी प्लुराल हो वर्ब विल बी प्लुराल। एठार आम उदाहरण दुईटा को दे दी टू थर्ड्स ऑफ द एसिड हाज इवेपोरेटेड। दुई तृतीयांश एसिड एठार हम कौन सिंगुलर हाज इवेपोरेटेड वर्ब मध्य सिंगुलर हे। एठार टू थर्ड्स ऑफ द आपल्स लिखाई वर्ब मध्य प्लुराल है। इफ द सब्जेक्ट बिगिन्स विथ ए गुड डील ऑफ ए ग्रेट डील ऑफ ए लॉट ऑफ प्लेंटी ऑफ मोस्ट ऑफ सम ऑफ एटसेट्रा द वर्ब एग्रीज विथ द नाउन दैट फॉलोज द सब्जेक्ट। इफ द सब्जेक्ट आम सब प्रथम रहे जदि सब्जेक्ट टी आरंभ हो कौन कौन दे कि ए गुड डील ऑफ ए ग्रेट डील ऑफ ए लॉट ऑफ प्लेंटी ऑफ मोस्ट ऑफ सम रु आरंभ ताहले वर्ब एग्रीज विथ द नाउन दैट फॉलोज सच फ्रेजेस। ए फ्रेजेस पर जो नाउनटा थी ताहाको आमे नहीं कि वर्ब एग्री कर जमीती पीपुल देखिए यहाँ प्लुराल नाउन वर्ब प्लुराल हो मनी लिखाई यहाँ सिंगुलर नाउन वर्बटा सिंगुलर हो स्टूडेंट्स देखे वर्ब प्लुराल हो म्यूजिक हूँ सिंगुलर नाउन एठार वर्ब सिंगुलर हो अनुसार आमर लिखाई तापर नौ नंबर पर नेक्स्ट देखा तापर बी नंबर देखा फ्रेजेस बिगिन्स विथ ए कंग्रेगेशन ऑफ ए क्राउड ऑफ ए फ्लॉक ऑफ ए ग्रुप ऑफ ए हर्ड ऑफ ए रेजिमेंट ऑफ यूजुअली टेक्स सिंगुलर वर्ब इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द नाउन आफ्टर ऑफ इज प्लुराल। आमर सिंगुलर वर्ब सब गुड़िक ग्रहण करेंगे कंग्रेगेशन ऑफ क्राउड ऑफ फ्लॉक ऑफ पर प्लुराल नाउन थिले सुधा से गुड़िक सिंगुलर वर्ब ग्रहण करेंगे जमीती आमर उदाहरण लिखाई ए क्राउड ऑफ पीपुल वाज शाउटिंग स्लोगन्स ए क्राउड ऑफ पीपुल एठार होची कौन प्लुराल किंतु आमर वर्ब सिंगुलर ग्रहण कर ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स कौन प्लुराल किंतु ए हर्ड ऑफ लिखाई मैंने वर्ब सिंगुलर हेब ए ग्रुप ऑफ स्मगलर्स एठार प्लुराल था पचे वर्ब सिंगुलर हेब। तापर सात नंबर नौ नंबर सी क्वेश्चन टा रूलटा को देखा नंबर ऑफ फॉलोड बाय ए प्लुराल नाउन टेक्स ए प्लुराल वर्ब बट द नंबर ऑफ ए सिमिलर सिचुएशन टेक्स ए सिंगुलर वर्ब एज द रियल सब्जेक्ट इज द नंबर। ए नंबर ऑफ थिले प्लुराल वर्ब प्लुराल सब्जेक्ट थिले वर्ब प्लुराल हेब किंतु द नंबर ऑफ पर जदि प्लुराल थिबो ताहले सब्जेक्ट सिंगुलर हेब। ए नंबर ऑफ पर प्लुराल सब्जेक्ट थिले वर्ब सिंगुलर हेब द नंबर ऑफ पर प्लुराल सब्जेक्ट थिले वर्ब सिंगुलर हेब। तापर आम देखा दस नंबरटा स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स फिजिक्स इकोनॉमिक्स न्यूज मिजिल्स मम्स एडवाइस इनफॉर्मेशन ज्वेलरी सीनरी आर अनकाउंटेबल नाउन्स दे टेक सिंगुलर वर्ब से सबुबले सिंगुलर वर्ब ग्रहण करेंगे कौन कौन थी स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स फिजिक्स इकोनॉमिक्स न्यूज मिजिल्स मम्स एडवाइस इनफॉर्मेशन ज्वेलरी सीनरी यही अनकाउंटेबल नाउन गुड़िक सबुबले सिंगुलर वर्ब ग्रहण करेंगे। आम उदाहरण देखा फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स एठार देदेला एस था यहाँ गोटे अनकम्फर्टेबल नाउन विषय देता वर्ब इज लगला मिजिल्स इज एन इनफेक्शियस डिजीज मिजिल्स इज लगला एठार वर्ब सिंगुलर हो गला द न्यूज वाज बैड एठार वर्ब सिंगुलर हो गला। तापर आम देखा नेक्स्ट देखा आम
एक्टिविटी टू, एक्टिविटी टू निजे से गुड़िक क्लियर करने पड़ो। एक्टिविटी टू फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट ऑक्सिलियरी वर्ब्स। ऑक्सिलियरी वर्ब्स आम भल जानते इज एम आर वाज वेयर हाव हैज हैड डू डिड डन एगुड़ी सब लगे। आइदर अफ द बॉयज डैश ओन ए मेडल यठार कौन हम आइदर अफ द बॉयज हाज ना हाव हम एठार आम आइदर अफ अच्छी एठार कौन हम हाज। नाइदर अफ दोज ऑफिसर्स आर एफिशिएंट ना इज एफिशिएंट इज एफिशिएंट। वन अफ हिज फ्रेंड्स डैश एबुल टू स्पीक इंग्लीश फ्लुएंटली। वन अफ जो लगे तो इजिम सम हनी लेफ्ट इन द पट यठार कौन हम हाज ना हाव हम हनी हनी हूँ सिंगुलर सम पर जो जहाँ थी सी हम तोार कौन हम हाज। द गवर्नर एंड द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी डैश बीन इनवाइटेड टू द फंक्शन। द गवर्नर एंड चांसलर हाज बीन कहीं गवर्नर जी चांसलर सी थ्री फोर्थ ऑफ द क्रॉप डैश डैमेज बाय द फ्लड। थ्री फोर्थ ऑफ द क्रॉप क्रॉप एठार सिंगुलर आम कही भग्नांश विषय भग्नांश पर जदि सब्जेक्ट नाउन टी सिंगुलर थी वर्ब विल बी सिंगुलर इज डैमेज्ड ना हाज ना यठार हम इज डैमेज्ड बाय फ्लड। ए ग्रेट डील ऑफ मनी ग्रेट डील ऑफ थी कौन हम मनी यठार सिंगुलर ताहले वर्ब विल बी सिंगुलर। तापर एचटा देखा ए होल रेजिमेंट ऑफ वॉलंटियर्स रेजिमेंट ए होल रेजिमेंट ऑफ रेज माने प्लूराल था पचे वर्ब विल बी सिंगुलर। द नंबर ऑफ स्कॉलरशिप इज द नंबर ऑफ लगी वर्ब विल बी सिंगुलर। ए नंबर ऑफ थिले वर्ब विल बी प्लूराल। दिस डेज मम्स मम्स दे दे हमरो अनकाउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन माने इज। नेक्स्ट रूल नंबर 11 देखिबा इफ द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज ए क्लज द वर्ब इज सिंगुलर। सब्जेक्ट रो स्थान सब बेले प्रथम थाए जदि गोटे क्लज रु सब्जेक्ट आरंभ हो जाए वर्ब विल बी सिंगुलर। व्हाट ही डज दिज डेज डज नॉट कंसर्न मी। दैट सी इज लाइफ इज गुड न्यूज एठार क्लज होती दैट सी इज अलाइव इज टा हूँ वर्ब एठार। व्हाट डज दिज डेज नॉट कंसर्न मी एठार आमर देदेला कौन सिंगुलर वर्ब हम आमर जो गोटे वाक्य क्लज रु आरंभ होक्यटी सिंगुलर हम। तापर आमर 12 नंबर है इफ टू वर्ड्स आर लिंक्ड इन द सब्जेक्ट विथ द हेल्प ऑफ कनेक्टिव्स लाइक विथ एज वेल एज इन एडिशन टू टुगेदर विथ। जदि दुईटी शब्द आर लिंक्ड इन द सब्जेक्ट सब्जेक्ट जोड़ा होती विथ द हेल्प ऑफ कनेक्टिव्स किसी संयोजक जहाँकि विथ एज वेल एज इन एडिशन टू टुगेदर विथ यही सब जो कंजक्शन कनेक्टिव्स को द्वारा जदि जोड़ी हो दुईटी शब्द एवं गोटे वर्ब तैयारी कर वर्ब विल बी एग्री विथ फास्ट वर्ड वर्ब एग्री विथ फास्ट वर्ड वर्बटा कौन हम फास्ट वर्ड सहित। देख द टीचर एठार सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट अच्छी सिंगुलर वर्ड गोटे विथ एठा आमर कनेक्टिव्स कंजक्शन यूज होगा। ऑल हर स्टूडेंट समस्त छात्र एठार कौन हम समस्ते प्लूराल था पचे वर्ब विल बी एग्री विथ फास्ट वर्ड आमर विथ कनेक्टिव्स लगी मैंने। रबि एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज रेस्पन्सिबल फर द लॉस। रबि एज वेल एज एठार कनेक्टिव्स किए एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हो पचे वर्ब विल बी एग्री विथ फास्ट वर्ड अच्छे कौन सिंगुलर वर्ब हे सिंगुलर। पॉपुलेशन ग्रोथ इन एडिशन टू मेनी अदर प्रॉब्लम्स हाज बैडली अफेक्टेड। पॉपुलेशन ग्रोथ इन एडिशन टू एथरे कौन हो जा कनेक्टिव संयोजक ताहले मेनी ऑफ अदर प्रॉब्लम्स ताहले एठारे पॉपुलेशन ग्रोथ हो सिंगुलर ताहले वर्ब विल बी सिंगुलर। द न्यूज
द ନ୍ୟୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଟୁଗେଦର ୱିଥ୍ ଦ ଅଦର ପିସେସ୍ ଅଫ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ଦ ନ୍ୟୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ମାନେ ଦିସ୍ ନ୍ୟୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଟୁଗେଦର ୱିଥ୍ ଦ ଅଦର ପିସେସ୍ ଅଫ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ପ୍ରୁଫ୍ସ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର ସିମ୍ପଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ୟୁଜ୍ ହେଇଥିବାରୁ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମର ସିଙ୍ଗୁଲାର ହେଇଯିବ ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ସହିତ ଏଇଟା ଏଗ୍ରି କରିଥିବାରୁ କ'ଣ ହେବ ଦିସ୍ ନ୍ୟୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏଇଟା ସିଙ୍ଗୁଲାର ହେଇଯିବ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ୱେନ୍ ଦ ୱାର୍ଡ଼ସ ଇନ୍ ଦ ସବଜେକ୍ଟ ଆର୍ କନେକ୍ଟେଡ଼ ବାଇ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ବଟ୍ ଅଲ୍ସୋ ନାଇଦର ନର୍ ଆଇଦର ଅର୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଡିଫର ନମ୍ବର ଆର୍ ପର୍ସନ୍ ଦ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରି ଦ ନିୟରେଷ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ସବଜେକ୍ଟ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ବଟ୍ ଅଲ୍ସୋ ଆଇଦର ଅର୍ ନାଇଦର ନର୍ ଦ୍ୱାରା ମିଶିଥିବେ ଦୁଇଟି କନେକ୍ଟ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଭର୍ବ ୱିଲ୍ ବି ଏଗ୍ରି ୱିଥ୍ ନିୟର ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବଟା ନିୟର ସବଜେକ୍ଟ ସହିତ ଏଗ୍ରି କରିବ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଗଲା ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଦ ବଏଜ୍ ବଟ୍ ଅଲ୍ସୋ ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲି ଗିଲ୍ଟି ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଦ ବଏ କେବଳ ଏଠାରେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ୟୁଜ୍ ହେଲା ବଟ୍ ଅଲ୍ସୋ ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ଭର୍ବ ଅଛି ଭର୍ବର ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ଥିବ ତା ସହିତ ଏଗ୍ରି କରିବ ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଦେଇଛି ଭର୍ବ ହେଲା ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଦ ବଏ ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହାଭ୍ ଟୁ ରିପେୟାର ବ୍ରୋକେନ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଦ ବଏ ଅର୍ ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଇଛି ମାନେ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ହେଇଗଲା ଆମର ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ହେଇଗଲା ଭର୍ବ ୱିଲ୍ ବି ପ୍ଲୁରାଲ୍ ନାଇଦର ଦ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ନର୍ ହିଜ୍ ସନ୍ସ ନାଇଦର ଦ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଏଠାରେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ନର୍ ହିଜ୍ ସନ୍ସ ଦେଇଛି ପ୍ଲୁରାଲ୍ ତାହେଲେ ଭର୍ବ ହେଇଗଲା ଆମର ପ୍ଲୁରାଲ୍ ତାପରେ ଆଇଦର ୟୁ ଅର୍ ହି ୟୁ ଏଠାରେ ଥିଲେ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ଏପଟେ ଥାନ୍ତା ଆଇଦର ୟୁ ଅର୍ ହି ଏଠାରେ ହି ହେଉଛି ନିୟରେଷ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବର ତାହେଲେ ହାଜ୍ କାହିଁକି ହେଲା ହି ଅନୁସାରେ ହାଜ୍ ହେଲା ଯଦି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ଆଇଦର ହି ଅର୍ ୟୁ ହାଭ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଦିସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯେହେତୁ ସବଜେକ୍ଟ ନିୟରେଷ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଅଛି ଭର୍ବ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ସିଙ୍ଗୁଲାର ତାପରେ ତେର ନମ୍ବର ଆଲୋଚନା କରିବା ତେର ନମ୍ବର ରୁଲ୍ ସମ୍ ଅଫ୍ ନାଉନ୍ସ ଆର୍ ମେଡ୍ ଟୁ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ସିମିଲାର ପାର୍ଟସ୍ ଲାଇକ୍ ସିଜର୍ସ ଟ୍ରାଉଜର୍ସ ସ୍ପେକ୍ଟାକଲ୍ସ ଗ୍ଲାସେସ୍ କିଛି କିଛି ନାଉନ୍ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ସେମ୍ ପାର୍ଟ ଦୁଇଟି ସେମ୍ ପାର୍ଟରେ ତିଆରି ହେଇଥାନ୍ତି ଯେପରିକି କଇଁଚି ସିଜର୍ସ ଗ୍ଲାସେସ୍ ଅର୍ ସ୍ପେକ୍ଟାକଲ୍ସ ଟ୍ରାଉଜର୍ସ ଏକ୍ସେଟ୍ରା ଦିଜ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଆର୍ ଟ୍ରିଟେଡ୍ ଆଜ୍ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଏହି ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସିଜର୍ସ ସ୍ପେକ୍ଟାକଲ୍ସ ଗ୍ଲାସେସ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭର୍ବ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ହୋଇଥାଏ ବଟ୍ ଏ ପେୟାର ଅଫ୍ ସିଜର୍ସ ଏ ପେୟାର ଅଫ୍ ସୁଜ୍ ଏ ପେୟାର ଅଫ୍ ଟ୍ରାଉଜର୍ସ ଯଦି ହେବ ଟେକ୍ ଏ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏ ପେୟାର ଅଫ୍ ସୁଜ୍ ହେରିକା ଯଦି ଲାଗିଥିବ ଭର୍ବ ସିଙ୍ଗୁଲାର ହେଇଯିବ ଦେଖ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦ ସିଜର୍ସ ଆର୍ ଓଲ୍ଡ ସିଜର୍ସ ଦେଇଦେଇଛି ମାନେ ଆର୍ ଓଲ୍ଡ ହେବ ମାଇ ଟ୍ରାଉଜର୍ସ ହାଭ୍ ବିନ୍ କ୍ଲିନ୍ଡ ମାଇ ଟ୍ରାଉଜର୍ସ ଦେଇଛି ମାନେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଭର୍ବ ହେଇଯିବ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ସେମିତି ଏ ପେୟାର ଅଫ୍ ସୁଜ୍ ଏ ପେୟାର ଅଫ୍ ସୁଜ୍ ଦେଇଥିବ ମାନେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ସିଙ୍ଗୁଲାର କ'ଣ ହେଇଯିବ ସିଙ୍ଗୁଲାର ତାପରେ ଆମେ ଚଉଦ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ହ୍ୱେନ୍ ଆନ୍ ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଆଜ୍ ଏ ନାଉନ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ଏ କ୍ଲାସ୍ ଇଟ୍ ଟେକ୍ସ ଏ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଭର୍ବ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ୍ ନାଉନ୍ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀକୁ ବୁଝାଉଥିବ ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ଶ୍ରେଣୀକୁ ବୁଝାଉଥିବ ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଭର୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଯେମିତିକି ଦ ରିଚ୍ ଆମେ ଦ ରିଚ୍ ବଏ ରିଚ୍ ଗାର୍ଲ ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଦ ରିଚ୍ ହାଭ୍ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ପ୍ଲୁରାଲ୍ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ସେଇଟା ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଭର୍ବ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଦ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ନିଡ୍ ଏସ୍କର୍ଟ୍ସ ଟୁ କ୍ରସ୍ ଏ ରୋଡ୍ ଦ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ନିଡ୍ ଏଠାରେ ନିଡ୍ସ ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ନମ୍ବର ହେଲା ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ନିଡ୍ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପନ୍ଦର ନମ୍ବର ହ୍ୱେନ୍ ଦ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ନାଉନ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରପର୍ ନେମ୍ ଅଫ୍ ସମ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଅର୍ ସମ୍ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ୟୁନିଟ୍ ଇଟ୍ ରିକ୍ୱାର୍ସ ଏ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ନମ୍ବର ପ୍ଲୁରାଲ୍ ନାଉନ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ନେମ୍ ବିଷୟରେ କହୁଥିବ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ କହୁଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ୟୁନିଟ୍ ବିଷୟରେ କହୁଥିବ ଗୋଟେ ଏକ ତାକୁ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଆମର ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଆମେରିକା ଆମେରିକା ଦେଶର ନାମ କିନ୍ତୁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଯେହେତୁ ହେଇଛି ଯଦି ଏସ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ସେଇଟା ସିଙ୍ଗୁଲାର ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ୟୁନିଟ୍କୁ ବୁଝାଉଛି ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ ଆମର ସିଙ୍ଗୁଲାର ଯେମିତି ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି ଗୁଲିଭର୍ସ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ୱାଜ୍ ରିଟେନ୍ ବାଇ ଜୋନାଥନ୍ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଗୁଲିଭର୍ସ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରପର୍ ନାଉନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ନେମ୍ ଅଫ୍ ବୁକ୍ ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭର୍ବ ୱିଲ୍ ବି ସିଙ୍ଗୁଲାର ଦ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ପାୱାରଫୁଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଦ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ପାୱାରଫୁଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସରେ ଏସ୍ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରପର୍ ନାଉନ୍ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ୍
कलेक्टिव यूनिट भाव व्यवहार करचे ताहले सेथि पई वर्ब विल बी सिंगुलर। नेक्स्ट विल डिस्कस रूल नंबर 16। द वर्ब इन ए रिलेटिव क्लज, द वर्ब इन ए रिलेटिव क्लज इज सिंगुलर और प्लुराल डिपेंडिंग ऑन द नंबर एंड पर्सन ऑफ द एंटेसिडेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। जदि गोटे रिलेटिव क्लज रे वर्ब कौन हम ताकू आम केमी बाछवा, जदि गोटे रिलेटिव क्लज रे वर्ब सब्जेक्ट अनुसार आम भर बाछा को पड़ो। रिलेटिव प्रोनाउन पूर्व रिलेटिव प्रोनाउन आम कौन जानचे हु हुईच हुम दैट हुज युड़ सब रिलेटिव प्रोनाउन हो जाए हु एठार यू दे माने हाव ताले रिलेटिव प्रोनाउन पूर्व जदि वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर हो वर्ब सिंगुलर हम सेमती रिलेटिव प्रोनाउन पूर्व जदि सब्जेक्ट प्लुराल हो वर्ब प्लुराल हो एठार यू एठार देखा इट इज यू हु हाव रंगड मी हु हाव रंगड मी जो देखे यू को ग्रहण करके लिखाई कारण रिलेटिव प्रोनाउन पूर्व यू अच्छी सेमती एठार रिलेटिव प्रोनाउन रु हि अच्छी पूर्व सब्जेक्ट हि अच्छी तेणु एठार रिलेटिव प्रोनाउन र सब्जेक्ट सहित भर एग्री कला और सिंगुलर है से अनुसार आम नेक्स्ट आक्टिविटी करवा आक्टिविटी थ्री एक्टिविटी थ्री री राइट द सेंटेंसेस चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिवन इन ब्रैकेट्स व्हाट ही सेज अबाउट मी डज नॉट अफेक्ट मी एठार कौन हम डज नॉट अफेक्ट मी एठार गोटे क्लज आरंभ यूज होती राम आज वेल आज हिज फ्रेंड्स राम राम फास्ट वर्ड सहित एग्री कर कारण आज वेल आज विथ इन एडिशन टू हेरिका जो लगे आम कौन करवा भर विल बी सिंगुलर ताल राम लाइक्स नाइदर रोज नर जस्मिन जस्मिन दे देछि ताहले वाज हबो सिंगुलर ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स वाज द रिच एठार कौन हबो लाइव द कैंटरबरी टेल्स वाज रिटन बाय चसर एटा गुटे बहिरो नेम सेथि पई एठार कौन हबो वाज सिक्स वीक्स इज ए लॉन्ग वैकेशन फॉर स्टूडेंट। तापर आमे देखिबा एच योर ट्राउजर्स आर टर्न आई एम यंग एंड स्ट्रांग Amontai, it is you who insulted me. You deichi ethare have hijibo single plural deichi plural hebo. Tapare ame dekhiba next choose the correct expression from the brackets and rewrite this sentence. There is or are people waiting to see you. There are people waiting to see you. Our is a great nation, isn't it? The police have a difficult job. A lot of cattle were grazing. The youth not so sincere. The youth कौन आर नॉट सो सिंसियर द यूथ वाज मोर सीरियस दैन हिज अंकल इल न्यूज ट्रावेल्स फास्ट मम्स इज भेरी और आर भेरी अनप्लीजेंट मम्स इज भेरी अनप्लीजेंट। नेक्स्ट देखिबा आ दुईटा रहिला बैक्टेरिया ऑफ द हार्मफुल काइंड कजेस डिजीज एठारे कजेस डिजीज हम देयर पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स देयर इज ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स देन स्टूडेंट्स संपूर्ण भाव में भिडियोटी को देखि सारी विभिन्न क्वेश्चन आंसर करिवो एवं क्वेश्चन आंसर जो किसी डाउट रहिला तहले कमेंट बॉक्स रे लिखिवो।